साल 2019 का आखिरी महीना यानी दिसंबर काफी ज्यादा खास होने जा रहा है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री की रिलीज होने वाली हैं। सबसे पहले दस्तक देगी अर्जुन कपूर संजय दत्त स्टारर फिल्म पानीपत, जिस फिल्म को 6 दिसंबर 2019 को रिलीज किया जाना है, और इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म भाईजान सलमान खान की दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर हाजिर होगी, और 27 दिसंबर 2019 को अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। कुल मिलाकर यह साफ कहा जा सकता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की तीन बड़ी फिल्में दिसंबर के महीने में रिलीज होने जा रही है। साथ में कोई शक नहीं है कि इन सभी फिल्मों को लेकर मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा बज हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ आशुतोष गवारकर की फिल्म पानीपत को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही है, फिल्म के बीएफएक्स और एक्शन को लेकर, साथ ही इस फिल्म के कलाकार भी काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। अर्जुन कपूर, संजय दत्त, कृति सैनन, मोहनीश बहल, पद्मनी कोल्हापुरी, जीनत अमान समेत इस फिल्म में काफी उम्दा कलाकार हमें देखने को मिलेंगे, और इस फिल्म में अर्जुन कपूर और संजय दत्त को देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। आशुतोष गवारकर एक पीरियड ड्रामा फिल्म लेकर आ रहे हैं जिस फिल्म का नाम है पानीपत, और पानीपत के ट्रेलर और गानों को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा है। ऐसे में इस फिल्म से भी लोगों की उम्मीदें हैं। इसी के साथ ही सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की बात करें तो इस बार सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला लुक देखने के लिए काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। साथ ही इस फिल्म को 20 दिसंबर 2019 को एक साथ पूरे भारत में 5400 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है। इस फिल्म को सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में एक साथ रिलीज किया जाना है। साथ ही इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट सुनाशी सिन्हा, साई मांजरेकर समेत किच्चा सुदीप जैसे बड़े कलाकार हमें फिल्म में देखने को मिलेंगे। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज को भी लेकर इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाएं, इसको 27 दिसंबर 2019 को रिलीज किया जाना है। फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी काफी बेहतरीन तरीके से रोल में दिखने वाले हैं। गुड न्यूज एक कॉमेडी और इमोशन से भरपूर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को 27 दिसंबर 2019 को रिलीज किया जाना है। तो यूं कहा जा सकता है कि तीन बड़ी फिल्में दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली है। सबसे पहले पानीपत रिलीज होगी 6 दिसंबर 2019 को, इसके बाद भाईजान सलमान खान की फिल्म दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर हाजिर होगी, और 27 दिसंबर को अक्षय कुमार अपनी फिल्म गुड न्यूज को लेकर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाले हैं। वैसे देखा जाए इन तीन बड़ी फिल्मों में काफी अलग तरह की कहानी और कंसर्ट में देखने को मिलेगा, और ऐसे में लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर दिसंबर के महीने में कौन मारेगा बाजी। क्या वो अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत होगी, या फिर सलमान खान की फिल्म दबंग 3, या फिर अक्षय कुमार की गुड न्यूज। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि दिसंबर के महीने में तीन बड़ी फिल्मों में से किसकी फिल्म सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करेगी।